तो भाई पिछलो भाई, तो भाई अब नेक्स्ट कैंडिडेट आई है हमारे पास, दीपिका, दीपिका ढुल। और मेरी छोटी बहन ने प्रश्न वही है, अगर कोई लड़का किसी लड़की को बाजार में या कहीं भी छेड़ दे तो लड़की का रिएक्शन क्या होना चाहिए। गुड़िया ने लिखा है, सबसे पहले मैं उसे सुनिश्चित करूंगी कि बात क्या हुई है, उसके बाद मैं लड़की के साथ मिलकर उसके बचाव पक्ष में आऊंगी और उन लड़कों को अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगी, वो जो कर रहे हैं वो गलत है। उसके बाद वो अपनी गलती मानते हैं तो ठीक है, उन्हें वार्निंग देके छोड़ने की सोचेंगे, लेकिन अगर वो ज़्यादा अश्लीलता पर उतर आए तो मैं कानून की सहायता लूंगी और जो कुछ करूंगी वो कानून के दायरे में रहकर करूंगी। भाई साहब, आपका इस जवाब के बारे में क्या कहना है? इस लड़की ने इस बेटी ने भाणदेश ने नूगा के जी भाई किसी लड़की के साथ हो रहा हो तो हाँ चलो, मान लिया, वो भी मान लिया। अच्छा जी, तो कानून वाली दायरा वाली तो गुड़िया यह बात है भाई, जिस तरह आदमी कितनी घरौनी हरकत कर सका है, कई बेरो मान ले को गलत कदम बिठा दे जगदी भाई जान तो भी मार दे, तो कानून तो आगे ही बात रहेगी, पहले एक बचाव पक्ष की बात हो ना, वाह बतावनी पड़े गुड़िया ने। ओके भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो गुड़िया की सबसे बड़ी बढ़िया बात यह है कि ये पहले सुनिश्चित करेंगी आखिर मैटर है क्या। कई बार क्या होता है कि भीड़ का हिस्सा बन के कई सही आदमी भी गलत हो जाते हैं, तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि क्या वाकई में ऐसा कोई वारदात हुई है, क्या वाकई में छेड़छाड़ी का कोई माहौल है। कई बार क्या पता बंदा गलत नहीं है और अब गलत समझ लेती है पब्लिक उसको। बाकी जो रिएक्शन है, कानून के दायरे में भी रहना ज़रूरी है, और जब अपने ऊपर पड़ती है तो कानून भी हाथ में लेना पड़ सकता है। भाई उसको पिटाई करनी है, भाई कोई कानून ये नहीं कहता कि आप उसकी पिटाई करो, लेकिन अगर उसको वार्निंग दे चुके हैं पहले तो वो पिटाई भी ज़रूरी है, ताकि दूसरी जो साथ देखने वाले हैं उनके ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़े इस चीज़ का। तो मैं थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूँ, मैं इंट्रो करवाना भूल गया। ये हमारे साथ है शेखर भाई जी, और इनका एक ऐसा एकेडमिक वर्क है जो एशिया में सिर्फ इन्हीं के पास है, सबसे बड़ी बात है। तो भाई साहब, जो आपने वो एकेडमी करके, क्या नाम है उनका? कृत्रिम गर्भदान प्रशिक्षण संस्थान, तो ये किस तरीके से, कितने दिन का कोर्स है आपका? ये 90 दिन का कोर्स है। 90 दिन के अंदर हम मैत्री की ट्रेनिंग देते हैं, पशुपालन से रिलेटेड AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। 3 महीने का ये कोर्स है जिसके अंदर हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पूरा हम कोर्स कराते हैं। ये तो शेखर भाई जी और इनका अच्छा एक हरियाणा, हरियाणा में कई जगह पे ये अपना कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको सीख भी रहे हैं, और एक यूनिक सी चीज़ है। तो मैं दीपिका से पूछ लेता हूँ कि भाई आप कानूनी कार्रवाई करोगे, तब तक तो वो लड़का भाग चुका होगा, कानूनी कार्रवाई कैसे करोगे? अगर कॉन्टिन्यूअसली डे टू डे वो चीज हो रही है तो पहले तो सबसे मैं अपने घर पे बताऊंगी, ना कल ना मेरे साथ कुछ गलत हो तो घर वाले ये ना कह सके कि तूने हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हम कुछ और कर सकते थे। लेकिन अगर ये बात है कोई आपको जाके कमेंट कर रहा है तो हम क्या सोचते हैं कि भाई चलो कोई नहीं, वो गया है, क्यों आफत मोल ली। अगर डे टू डे हो रहा है तो हमें रिएक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि चलो हो गया तो जाने दो, क्यों बात फैली। तो ज्यादातर तो मैं यही करूंगी कि अगर बात छोटी सी है तो मैं उसको इतना बढ़ावा नहीं दूंगी, लेकिन बात ऐसी आ रही है कि मेरे लिए वो ज्यादा हार्मफुल है तो उस टाइम मैं कानून की सहायता लूंगी, अपने घर वालों को बताऊंगी, और मेरे लेवल पे जो उस टाइम मैं अपने लिए बेस्ट कर सकूंगी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं वो करूंगी। अच्छा दीपिका, एक बात बता, आप बाजार में जा रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो, स्टडी कर रहे हैं आप, तो किसी ने ऐसे यूं हाथ लगा दिया, कमर पे हाथ लगा दिया, उसको आप कितना लाइट या हैवी लेंगे? मतलब बिल्कुल भी लाइट ही नहीं लूंगी ऐसा। तब क्या करोगे? मेरी मम्मी ऐसे कहती है कि एक बार आप अगले की आंखें हमेशा लगा के उसका उड़ाई चीली कर दीजिए, तो मैं अपना एटीट्यूड ऐसा रखूंगी कि अगला पहले देख के हिम्मत ना करे। लड़कियां क्या करती हैं, ऐसे माहौल में जाती हैं, ही ही की 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 करती है, तो लड़कों की तो वही हिम्मत आ जाती है कि भाई थोड़ा शायद से ये मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, तो सिंपल सी बात है, अपने माथे में तोड़ी इतनी रखो कि अगला देखे ना आपका नहीं। और उसके बाद जब देख भी ले तो एक तो ये होता है लड़कियां को लाइटली बोलती हैं तो सोचते हैं ये तो शेयर हुआ, ज्यादातर गांव के लड़के सोचते हैं ये तो शेयर हुआ क्या कर लेगी, लेकिन अपना जो उस टाइम जो अपना कॉन्फिडेंस रखना है वो रखना है कि तो मर्जी हो के अगला न मार दे, मेरे लिए तो यही है। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही बात है जगदीप भाई, जितने मतलब आगली जो रटिया लंगवाइड है बिना काम की कड़ियों की, तो मतलब सही बात बता है गुड़िया के मार देर के मर्जिया सुसुर एक के तो काम बने जितने आगला डटी है। शेखर भाई साहब, देखो आपने जो सवाल पूछा है कि आपके ऐसे हाथ लग जाए,
पहले ये तो ये भी तो देखना है, लगा दिया उसे फर्क है इसमें, लगने वाला कड़े फर्क छेड़ चुका है तो रिएक्शन जो बताया गुड़िया ने ये बिल्कुल ऐसा ही है। पहले उसकी आंखों में ऐसा लगे कि ये लड़की तेरे को अभी पता नहीं क्या कर देगी, आंखों ही आंखों में उसकी तरह समझा देगी, ठीक है, तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होगी, वो मैदान छोड़ के भागने की कोशिश करेगा उस टाइम पे। अगर उसने अच्छे तरीके से नजर नजर में उसकी तरफ देख भी लिया ना एक बार गुस्से से तो ये भाग जाएगी। कई बार क्या होता है कि रिएक्शन ऐसा हो कि उसको दोबारा हिम्मत हो, तो अगर उसने अच्छे से आंखों में समझा दिया तो दोबारा हिम्मत नहीं होगी। दीपिका अब आंखों ही आंखों में तो आप तब समझा पाओगे जब वो आपको छेड़ चुका होगा, और छेड़ चुकने के बाद आप उसको आंखों ही आंखों में डराओगे, माथे पे त्योड़ी घेरोगे, तो उसका क्या फर्क पड़ना उस बात से, चला जाओगा, लेकिन वो छेड़ तो गया। फिर मैं अपना एटीट्यूड भाव के माहौल में ऐसा रखती नहीं कि कोई मुझे देख के लाइट ले ले। नहीं एक बात समझो ना, आप आगे आगे जा रहे हो, पीछे से ही कोई छेड़ेगा ना, आगे आगे तो नहीं छेड़ेगा, इतनी तो हिम्मत बहुत कम होती है कि आगे आके छेड़ेगा, पीछे से ही छेड़ेगा। तो निपट कर देख लेगा। वही पूछना चाहता हूँ, कैसे निपटोगे, कैसे देखोगे? देखो अगर उसने छेड़ा इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं उसको जान से मार दूं, अपने बचाव में मैं कुछ करूंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कानून भी आदमी नहीं लेना है, अगर ऐसा उसने तो मेरे को छोटा सा छेड़ा, मैंने इसका ऐसा कुछ मार दिया, बेचारा की जान चली गई, इससे मैं कोई फायदा नहीं। बेचारा हो तो बुढ़िया फिर वो तो ना बोलना एक तो बेचारा हो गया ना, मतलब बेचारा जैसे कि उसने मेरे हाथ लगाया, उसके बदले मैं उसके कुछ ऐसा मार दूं कि वो जानता है जावे, तो मेरी पर्सनैलिटी में ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसको इतना कुछ इतनी बड़ी सजा दे दूं। बुढ़िया पहले ही बता रही है कि मैं उसको कानून के दायरे में रखे करूंगी, ठीक है? ओके, अब एक बात सोचो, कानून के दायरे में कैसे काम करोगे? वो छेड़ गया और वो चला गया, कौन सा कानून? पुलिस को बुलाओगे, भाई आ जाओ जी 1091 पे कॉल करिए, और वो आगे अब आप बताओगे मेरे साथ ये हुआ, तो फिर क्या मतलब पुलिस पकड़ लेगी उसको? अगर मेरे को पता है कि जैसे मैं एक तो क्या होता है इंस्टेंट हो जाता है और अपने को पता भी नहीं चलता कि वो अपने को छेड़ के चला गया, क्योंकि मार्केट में हम कहीं जा रहे हैं वो अपने को छेड़ के चला गया तो हम उसके पीछे पीछे तो भागेंगे, कई बार हमें चीजें थोड़ी बहुत इग्नोर भी करनी पड़ती है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि उसने हमें बहुत गंदे से छेड़ा है और बात ये हो जाए कि भाई तो कसूती मतलब बेशर्मी वाली बात हो गई है, तो मैं पहले ये सुनिश्चित करूंगी कि मैं मेरी सेफ्टी रखूं, मैं अपने घर आया फोन करके बताऊंगी और कुछ ऐसा रखूंगी कि लड़के उस टाइम मेरे गले भी उड़ झेल रहे हैं, उन्हें भाजन का मौका ना मिले, कुकर में थोड़ा बहुत लड़के के ना उड़ जा लूंगी, घर आया अपने लोकेशन भेज दूंगी भाई इतना ऐसा क्यों करा है, तेरी मत कुकर करने का ना, तेरी माँ बेटी के लिए कोई नू करे तो तने के लागेगा। मेरा मानना ये हुआ कि बात 20 सेकंड की बात होगी, आपके 3% 20 सेकंड में खत्म हो गए, अब फिर कैसे उड़ जाओगी 20 सेकंड तक आपने उड़ जाए रखे इतने तो पुलिस भी लेट ना दिया जाए तो 1091 में तो कॉल करोगे। मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था, मैं ना हांसी से बस में जा रही थी और मेरी साथ एक मेरी फ्रेंड थी, तो दो लड़कों ने उनको छेड़ा, मैंने समझ में आ गया था मैं ये छेड़ेंगे ये मारने को नहीं, क्योंकि उनका रोज का काम हो गया था, मैं आज तो हद हो लिया, मैंने पहले दुर्गा पुलिस आया थी फोन करके बताया कि अगला स्टेशन यो है, तो उन्होंने मारता है इतना मामले उनकी वे उड़ जाए रखे नुकी को नहीं के मामले में बस तो उतरण दिए, बस माउंटी लड़ झगड़ के चले गए, अगले स्टेशन पे दुर्गा पुलिस आई माउंटी पकड़ के ले गई। मतलब ये एक बात बता भाई, मेरा जिस तरह दस्या करो ग्रीन पुलिस वाली सड़ा है, क्योंकि ये तो मतलब तेरी चीज एक की मालिश ही धमदो थी, परिवार का परिवार खत्म हो जाए, पुलिस को पूछा कर, मतलब वास्तव में आओ है या पुलिस सच्चाई में आ जाओ। मेरी रियलिटी जो चेक था वो था कि मैंने किया तो मेरे लिए आई, बाकी का मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा तो पुलिस कानून है देश में, तो सब कुछ है कानून है, और ये भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ करें और कानून हमारा साथ नहीं देता, सब हमारा साथ देते हैं। और तो मतलब आप 100% पुलिस के भरोसे रह के चलते हो जिंदगी में? नहीं, देश में तो कानून के भरोसे तो रहना पड़ेगा। क्या बात बता, हाँ या तेरी बात में बात होगी, वही पूछो के करका होगी, हद से हद पार होगी, बस हद से हद में भी चपेटे मारेगी। मैं कानून के बाहर ना जाऊं, कल लू होगा अगला छोरा मर गया, मैंने लेने
फिर उस मजाक मजाक में तेरे बड़ी चोट लग जाएगी, तू मरगी फिर। मैम वो किस, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, विक्टिम खुद ही मर गया, फिर और कोई देखो कानून के दायरे में तो रहना पड़ेगा, लेकिन ये बात भी ठीक है, थप्पड़ से बल तो कर भी क्या सकते हैं, हथियार तो साथ लेके घूमते नहीं है, ईंट मारा है, लठ मारा है। देखो अपनी जनता जो है ना, अपनी जनता है भारत की, जनता नहीं भारत की जो जनता है ना, अगर लड़की ने थप्पड़ मारा है तो वो अपने आप झूम लेगी उसके ऊपर, ये भी सच्चाई है, ये रियलिटी है, मैंने देखा है। वो पुलिस की बात ऐसी है, एक पुराना जो पुराना डायलॉग एक है, पुलिस तो हमेशा काम होने की बात आती है, ये तो सच्चाई सबको पता है, ऐसा होता है। और पुलिस तैयार भी नहीं बैठी है, ठीक है, काफी कंप्लेंटें आती है, लोग बोलते हैं मैंने फोन किया ही नहीं, ऐसा होता ही है, सभी जगह होता है। लेकिन पहला रिएक्शन तो ये है कि थप्पड़ वाला ही है, अगर अकेली है तो फिर अपना बचाव भी करना जरूरी है, भी हम वहां से कैसे निकले। ठीक है, लड़का है तो थोड़ा उससे हेल्दी भी होगा, तो ऐसा नहीं उसके उर्ज के साथ दुर्गा भाई नहीं श्यामल एक दो होंगी और इस रूट को पढ़नू तो सही को नहीं आए गुड़िया रिस्क के लिए सही ली ही के मेरो इस ऊपर की जिस तरह रोडवेज जाम पढ़ने लिखने दे देश में ना ही चोरी जाहे के मेरो आ दुर्गा भाई न्यूर की तेजारी हो तो ये तो बात है ना, अगर ये तो गई हुई है, अगर वो खड़ी है तो भी तो गारंटी नहीं इस बात की, वो आ जाएगी टाइम पे। पहले तो क्या कि अगर पब्लिक के साथ में है, कोई आसपास है, तो कोशिश करो अपना कोई थप्पड़ लगाने वाली बात है। दूसरा ये है कि अगर अकेले में है तो अपनी बचना कैसे उससे, या तो कोई कराटे की ट्रेनिंग ले रखी हो आजकल जैसे स्कूलों में देते हैं, भाई उसको यहाँ पे चोट मारनी है फिर निकलना है, उस चोट से मरता नहीं है, लेकिन दो मिनट के लिए बंदा घायल हो जाता है, मतलब दर्द में हो जाता है, फिर बाकी अपना बचाव करना भी जरूरी है। जो नीच आदमी हुआ है वो तो नुए होगा, और मार ले, और मार ले थप्पड़, और मार ले इस बार, और मार ले इस, वो तो नीच आवनों से मुश्किल है जगदीप भाई, बाकी शर्म तो ले सब गए चले है। बाकी मैं तो एक बात बताऊं, ये या गुड़िया नु का पुलिस दौर फोन कर दे, एक बात तो बता दे जगदीप भाई, आगलो छमी गड़ियो गुड़िया उरन कड़ी पुलिस दौर फोन करेगा, अगलन बेरो कोन पट्टा तेरी बिना काम की कर तू टूटी तो वाट भाज जा, सही चल दिम कूदनो पड़ो रोडवे तो भाज जा, आगलो भला इन तड़ जाए भाजे मत पुलिस है, जिस तरह कोन कोई खुद कोई सुनो चाहिए, कोई शर्म की बात को नहीं, देखा अगर आपा सही हां, अगर ये गुड़िया और सही है, इसके साथ वाली सही है, और नू दिखने लग रही एक तरफ आदमी गलत करने लग रही हो, तो शर्म की बात बिल्कुल आर पार होनी चाहिए। आज तक अभी काफी चलो भी अपन देखा है कि किसी लड़के ने लड़की पे वापिस हाथ नहीं उठाया, अभी तक 100 में से एक केस अलग है। अगर लड़की ने हिम्मत करी है उसको थप्पड़ लगाने की, तो वो कोशिश करता है कि मैं यहाँ से भाग के निकलूं, ऐसा अभी तक नहीं देखा है कहीं पर कि उसके बराबर उसने फाइट की हो, आपने कभी देखा है कहीं पे, ऐसा नहीं हुआ है। अगर किसने हिम्मत करी है तो लड़की की हिम्मत क्या, उसकी हिम्मत कुछ भी नहीं है, चाहे कितना बड़ा बदमाश हो। अक्सर हमारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं तो मास्टर ये चीज कराए गए, आपने एक बात बता दी, ये करा को टुच्चो और ये बिना काम का भसड़ो हो जो दिमाग में, ये करें असली बदमाश खुद दे भी ये काम करा एक होने वाले, वो 50-50 कहाँ को जम रखा, किसी का चाप भी होगा ना तो 50 को दे के आओ, अगले बहू और चाहिए बेटी और चाहिए माँ, राम राम। हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड रहे हैं जगदीप भाई, चलो चलो ये तो बात मैं इस बारे में तो हाँ या ना कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो गुड़िया का है कि भाई उस लड़के ने मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, ये थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल सी बात है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के देश में रहते हो और आप ये कह रहे हो कि कानून सहायता लेना अनप्रैक्टिकल है, मेरे को ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कोई लड़का आपने छेड़ेगा तो रवे को नहीं भागेगा वो, तो मैंने क्या कहा कि मैं रहनिया तो नुए कहूंगा मैं तो तेरे के लिए ब्याह करूंगा, तेरे माँ बाप से मिला दे, रहनिया तो नुए कैस का है, रहनी से मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि आज आपको किसी लड़के ने छेड़ा, कल आप फिर उस रूट से गए, उसने फिर छेड़ा, तो मेरा ये था कि डे टू डे वो हो रही है तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन घर के बोलते हैं कि कोई नहीं क्या क्या बाज गया के किसका गेल पड़ेगी तू चल छोड़, लेकिन डे टू डे होती है तो मैं उस पर अपना स्टैंड जरूर रखूंगी, क्योंकि ना क्या कि चला गया ठीक है यार चला गया, क्योंकि आज की लाइफ में सब इतना है और लड़कियों पे बात इतनी आती है, कोई अपनी इंसल्ट करवाना नहीं चाहता, तो एक बार कह के चला गया तो ठीक है जितना हो सके इग्नोर करो, लेकिन अगर ज्यादा से हद से ज्यादा हो जाए तो मैं तो जरूर कुछ ना कुछ करूंगी, मतलब एक बार छेड़ ले दो बार छेड़ ले कोई बात नहीं इग्नोर कर दो, लेकिन जब बार बार छेड़े तो कुछ रिएक्शन लो। दो बार का मतलब क्या होता है, दो बार का मतलब बार बार ही होता है,
ओके एक बार तो माफ कर दो उसको, छेड़ लो भाई। मैं कॉलेज से आ रही थी, एक लड़के ने सीटी बजाई और तुम चला गए। अब मैं उसके पीछे थोड़ी ना भागूंगी। नहीं नहीं वो तो मैं तो ये कह रहा हूँ, उसने आपको छेड़ ही दिया और फिर वो भाग गया, तो एक बार तो छेड़ना। आप उसको कह रहे हो कि मैं एक बार छेड़ सकता हूँ? मैं ये नहीं, हाँ या इतना थोड़ा बहुत तो इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऐसे समाज में रहते हैं कि अगर हम डेली कुछ ना कुछ अपने घर वालों को बताएंगे आज हमारे साथ ये हुआ तो सब कहते हैं तेरे में खोट होगा, बाकी दुनिया के छोरे जावा गुड़िया। इनकी भी बात सही ही इबारत है, मैं जिस तरह लुभारू जाऊंगो तो मुन्नर राय में 50 कार्टून ही मिलेगा, कोई आते ही ना मोटरसाइकिल कट लिया होगा, कोई ट्रक कट लिया होगा, इमो सारा है तो गिल्ली कुड़ दो साल में जरूर वारू है तुमको तो आगे थोड़ा करना इग्नोर करना पड़े, बाकी जम्मा किसी की भाभी नहीं साइन करनी चाहिए। देखो इग्नोर करने वाली बात ऐसा कि हम छोटे शहर में रहते हैं, हमें अपनी फैमिली की तरफ भी देखना पड़ता है लड़की को, कि कल को मैं पेरेंट्स को बताऊंगी उसके ऊपर एक्शन होगा तो साथ में बदनामी मेरी खुद की भी होती है। हाँ इस चीज में, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं उनका माहौल इतना डेवलप नहीं है, ठीक है, अगर किसी बड़े शहर में तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता पड़ोस में क्या हो रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है। हमारी बहुत बड़ी चैन है, 50 लोग हमें भी गलत करने वाले मिलेंगे, भी लड़की में कोई ना कोई खोट होगा, तो लड़की भी सोचती है कि यार एक दो बार इग्नोर करो, नहीं परमिशन देने की बात नहीं आती यहाँ पे भाई। अगर सीटी मार दी अब उस वक्त थाने में जाके केस करेंगे, भाई सीटी मार दी ठीक है, छेड़ने की अगर टच किया है वो एक अलग बात है, सिटी की बात है या कोई बोल के चला गया, तो ये हर लड़की को करना पड़ता है। हम भी देखते हैं लड़की जी बस में जा रहे हैं, 5-4 खुराबाती उसमें भी होते हैं, ठीक है, हम रोड पे गाड़ी लेके जा रहे हैं, कोई स्कूटी लेके लड़की जा रही है तो कोई बाइक आगे कर रहा है कोई पीछे कर रहा है, तो थोड़ी बहुत तो देखो करना पड़ता है। और सबके साथ रूझने लग गए तो लड़की या लड़की मैटर है, मैटर और भी काफी होते हैं, हम भी तो बसता ही है, तो थोड़ा बहुत तो बचना पड़ता है। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही बात है लड़की भाई, बिल्कुल। और एक बात और है जी, हमारे घर के कहते हैं भूंडला का जितना बचा जावे उतना बच कर रहना चाहिए, तो जहाँ अपने को खतरा लगे थोड़ा हमें भी वहाँ जाने से अवॉइड करना चाहिए, मेरा ये मानना है। ज्यादा ही आजकल मॉडर्निटी में आके हम कहते हैं अरे रात को 12 बजे लड़कियां जाती है हम क्यों नहीं जाते, लेकिन हमें अपनी जगह के हिसाब के माहौल के हिसाब से रहना पड़ता है कि भाई हमारे यहाँ का मतलब माहौल के हिसाब से थोड़ा डर के रहना पड़ता है। डर के नहीं रहना पड़ता, डर के क्यों रहे, हमने गलती थोड़ी की है जो हम डर के। तो फिर लड़की रात ना 12 बजे चले जाओ, क्या दिक्कत है? एक होती है मॉडर्निटी, एक होती है खुद की सेफ्टी, जहाँ आपको पता है कि आपकी मतलब आपकी इज्जत को या आपकी नाइफ को वहाँ पे खतरा है, तो आप क्यों आ जाके खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं फालतू में। अपने लेवल में रहो और जितना हो सके अपनी सुरक्षा के लिए आप करो, और अपनी सुरक्षा में रहने में ही फायदा है। ओके, ज्यादा मतलब मॉडर्न बन के ना दिखाओ, जैसा माहौल हो वैसा रहना चाहिए। मॉडर्न बनो लेकिन सिचुएशन के हिसाब से रहो। ओके सामाजिक तौर की बात सही है, जिस तरह जो कर्मदागिरी वास्तव में जिस तरह सही इसकी बात तभी संतुष्ट होने का कर्म ही नहीं बोलिए हमारे बताइए। बिल्कुल ठीक है दीपिका जी, थैंक यू, फिर मिलते हैं हम। तो भाई दीपिका की जो बातें थी वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगी और सभी संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं सर? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो हमारे शेखर भाई जी, हमारे कड़ू कुडल जी दोनों सेटिस्फाई हैं, और देखते हैं भाई क्या कुछ रहता है अभी इस आगे इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।